नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप आपका रूफटॉप गार्डन दोस्त एक बार फिर से आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों अभी तो फरवरी का एंड होने वाला है और अभी देखिए मेरे फरवरी के एंड में भी मेरे प्लांट्स पे देखिए विंटर सीजन वाले प्लांट्स पे बहुत ही अच्छे से अभी फ्लावरिंग हो रहे हैं और मेरे यहाँ पे एक सिनेरिया के प्लांट बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग शुरू कर रहा है अभी। दोस्तों सिनेरिया प्लांट पे गुच्छों के रूप में फ्लावरिंग होता है और फ्लावर जो है एक हफ्ते तक रह जाता है प्लांट पे और सभी फ्लावर जब एक साथ खिलते हैं तो देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। तो इसका जो कलर आया है मेरे पास देखिए बहुत ही खूबसूरत कलर है इसका और बहुत सारे बर्ड्स हैं। अभी सभी बर्ड्स जब खिल जाएंगे तो फ्लावर देखने में और भी खूबसूरत लगेगा और इसको मैं लगाया हूँ एक 8 इंच के पॉट के अंदर। तो दोस्तों सिनेरिया प्लांट 8 इंच के पॉट के अंदर बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाता है। अगर आप नहीं लगाए तो ज़रूर लगा सकते हो। ये प्लांट अप टू मई जून तक फ्लावरिंग करता है, बारिश के पहले तक। अगर आप इसको थोड़ी सी शेडी एरिया प्रोवाइड करो इस समर सीजन में तो इसमें बहुत दिन तक फ्लावरिंग हो सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा मेरे जो डायंथस के प्लांट है देखिए बहुत ही सुंदर से फ्लावरिंग कर रहा है और ये कैरी बैग के अंदर लगा हुआ है। ये देख सकते हैं आप बहुत सुंदर से फ्लावरिंग कर रहा है, छोटे से कैरी बैग के अंदर लगा हुआ है। और ये जो सारे मेरे प्लांट्स हैं ये सभी मेरे पुराने प्लांट्स हैं, इस साल का नहीं है। मैं जस्ट इसको हल्का सा प्रूनिंग कर दिया था कुछ दिन पहले। तो देखिए इस पर नए नए से बहुत सारे अभी देखिए लीव्स निकलना शुरू हो गए हैं और नए नए से स्टेम भी निकल रहा है और यहाँ पे देखिए बहुत सारे बर्ड्स भी आ रहे हैं प्लांट पे। तो डायंथस एक बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, इस प्लांट को आप हमेशा आपके गार्डन में लगाया कीजिए। अगर आप एक बार लगा दो तो आपके प्लांट्स पे हमेशा ये प्लांट रह जाएगा सालों साल और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, लो केयरिंग प्लांट है और इस पे ज़्यादा वाटरिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ता है और किसी प्रकार पेस्ट का भी अटैक नहीं है। लेकिन दोस्तों आज के वीडियो का मेरा जो मेन टॉपिक है वो इसके ऊपर नहीं है। मेरा जो मेन टॉपिक है वो है समर सीज़न में आप कौन कौन से फ्लावर प्लांट के सीडलिंग कर सकते हो उसके बारे में। तो समर सीज़न के सीडलिंग करने का वक्त अभी आ गया है, आप मार्च के 15 तारीख तक आप सीडलिंग कर सकते हो। तो सीडलिंग करना बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, आप जस्ट सीड्स लेके सिर्फ सैंड के अंदर ग्रो कर दीजिए। जैसे कि आप जानते हो मैं हमेशा सीडलिंग या फिर कटिंग मैं सैंड के अंदर करता हूँ, इससे जो सक्सेस रेट है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इस समय आप कौन कौन प्लांट्स के सीडलिंग कर सकते हो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी शेयर कर लेता हूँ। इस समय आप भिनका, जिनिया, सनफ्लावर, एडेनियम, पोर्चुलेका, मॉस रोज जैसे प्लांट्स के सीडलिंग कर सकते हो या फिर आप रोज़ प्लांट के भी सीडलिंग कर सकते हो। दोस्तों सीडलिंग करते वक्त प्लांट को हमेशा शेडी एरिया में रखिए क्योंकि अभी धूप बहुत ही तेज़ हो रहा है, फरवरी का एंड चल रहा है अभी। तो प्लांट्स को ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे दिन भर की पूरी धूप ना आता हो और हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका जो मिट्टी है जिस मिट्टी पे या फिर सैंड के अंदर प्लांट्स के सीडलिंग्स लगाए हैं वो मिट्टी या फिर सैंड आपको सूखना नहीं चाहिए, इसलिए हमेशा दिन में एक बार एटलीस्ट इसको वाटरिंग ज़रूर करिए। तो देखिए 15 से 20 दिन के अंदर आपके नए नए से प्लांट्स बनना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले जो प्लांट सीडलिंग्स से प्लांट्स बनते हैं वो है सनफ्लावर। सनफ्लावर के प्लांट्स बहुत जल्दी बन जाते हैं सीडलिंग्स करने से। सनफ्लावर के दो वैरायटी होते हैं, एक तो छोटे छोटे से वैरायटी जिसमें बहुत सारे फ्लावरिंग होते हैं और एक है बड़ा वैरायटी। बड़ा वैरायटी और छोटे वैरायटी दोनों वैरायटी को आप अभी सीडलिंग कर सकते हो। दोस्तों एडेनियम प्लांट को भी सीडलिंग कर सकते हो जैसे कि मैं बताया, लेकिन एडेनियम प्लांट कटिंग से भी बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। तो अगर आपके पास एडेनियम के पुराने प्लांट है तो आप कटिंग भी कर सकते हो और आप अभी सीडलिंग भी कर सकते हो। तो ये सारे प्लांट को आप सीडलिंग अभी कर लीजिए तो आपके प्लांट पे सितंबर अक्टूबर तक फ्लावरिंग होंगे, बहुत ही सुंदर से फ्लावरिंग होने वाले ये सब प्लांट्स हैं। इसके अलावा आप कटिंग के थ्रू हिबिस्कस, मोगरा, प्लूमेरिया, अंचन, ओलियंडर या फिर आप चांदनी प्लांट के भी कटिंग लगा सकते हो। ये सब प्लांट कटिंग के थ्रू अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, ये सब प्लांट्स को सीडलिंग से ग्रो करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये तो था एक छोटा सा वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। सीडलिंग्स अगर आप नहीं किए हैं तो अभी से कर सकते हो, सीडलिंग्स करने का वक्त शुरू हो गया है और ये सब पौधा 8 से 10 इंच के पॉट पर अच्छे से ग्रो हो जाते हैं और फ्लावरिंग भी अच्छा खासा करता है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक इसको ज़रूर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपना फैमिली का ख्याल रखिए। तो दोस्तों चलते हैं, बाय।